तारीख थी 30 अगस्त 2022 जब कतर में इंडियन नेवी के 8 रिटायर्ड अफसर्स को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया गया और कैद कर लिया गया। 30 अगस्त 2022 से लेकर अब तक 6 महीने हो गए हैं, लेकिन भारत सरकार उन्हें छुड़ा नहीं पाई है। हैरान करने वाली बात यह है कि रिटायर्ड अफसरों को गिरफ्तार क्यों किया गया है, वो भी कतर ने अभी तक बताया नहीं है। और भारत में जब सरकार से सवाल पूछे गए तो वो कहते हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही वो बाहर आ जाएंगे। 130 दिन से भी ज्यादा हो गए, लेकिन सरकार अब तक कुछ भी कर नहीं पाई है। सवाल यहाँ ये है कि आखिर वो 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स करते क्या थे और कतर में उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूँ आपके साथ आशीष सिंह। इस मुद्दे पर आगे और बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बजाइए। एक एक करके सारे सवालों को समझेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि ये 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स कतर में करते क्या थे। तो कतर में एक कंपनी है जिसका नाम है दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी, जहां ये काम किया करते थे। दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है और ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खामिन अल अमरीक इसमें प्रमुख हैं और उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर में उन्हें छोड़ दिया गया। ये कंपनी कतरी अमीर नेवल फोर्स यानी QENF को ट्रेनिंग और दूसरी सर्विसेज देती है। कंपनी खुद को डिफेंस इक्विपमेंट्स को चलाने और उनकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का एक्सपर्ट बताती है। हालांकि 8 भारतीयों की गिरफ्तारी के बाद से ये जो कंपनी है दोहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी, इसकी वेबसाइट अब मौजूद नहीं है। नई वेबसाइट ने कंपनी का नाम कुछ और लिखा गया है, दोहरा ग्लोबल लिखा गया, और इसमें कंपनी से QENF का कोई भी कनेक्शन नहीं दिखाया गया है, ना ही नेवी के पूर्व अफसरों का कोई भी जिक्र कंपनी के लीडरशिप में किया गया है। आरोपों की अगर बात करें तो कतर सरकार ने आरोपों को अब तक पब्लिक नहीं किया है और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजे जाने से ये चर्चा है कि उन्हें सुरक्षा संबंधित अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। और मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो उनका दावा ये है कि इसराइल के लिए उनके देश की वो जासूसी कर रहे थे। हालांकि इसमें कोई भी तथ्य पेश नहीं किए गए हैं। अब इतना कुछ हो गया, लेकिन भारत में किसी को कानो कान कोई खबर नहीं। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो में इंडियन नेवी के अफसरों को 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया और भारतीय दूतावास को मिड ऑफ सितंबर में पहली बार भारतीयों को गिरफ्तारियों की जो खबर है वो पता चली। 30 सितंबर को इन भारतीयों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी देर के लिए टेलीफोन पर बात करने का मौका दिया गया। पहली बार कंसुलर एक्सेस 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी के ठीक एक महीने बाद मिला। इस दौरान भारतीय दूतावास के एक अधिकारी को इनसे मिलने का मौका भी मिला। इसके बाद इन लोगों को हर हफ्ते परिवार के सदस्यों से फोन पर बात करने की अनुमति दी गई है। दूसरा कंसुलर एक्सेस दिसंबर में इन्हें दिया गया। अब ये सब कुछ सुनकर आपको लग रहा होगा कि आखिर भारत और कतर के रिश्ते आपस में कैसे हैं, जो इतने दिनों तक भारत जो है कोई कोशिश कर रही है लेकिन वो सब कुछ नाकामयाब हो रहा है। तो भारत और कतर के बीच दशकों से फ्रेंडली रिलेशनशिप है और नवंबर 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यात्रा के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत हो गए हैं। मार्च 2015 में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल धामी ने भारत की यात्रा की थी, जबकि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोहा गए थे। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर अब तक 3 बार कतर का दौरा कर चुके हैं। इससे पहले सुषमा स्वराज 2018 में कतर जाने वाली पहली भारतीय विदेश मंत्री थी, लेकिन बीच में पहली बार ऐसा हुआ था जब भारत और कतर के जो रिश्ते हैं उसमें थोड़ी सी कड़वाहट आई थी, और वो समय तब था जब नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया था। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इतनी दोस्ती होने के बावजूद कतर कब जाकर इन 8 रिटायर्ड अफसरों के बारे में खुलकर बात करती है और कब भारत सरकार उन्हें लेकर के वापस आती है। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।